हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 3 अक्टूबर 2019 की प्लीम सेपरेटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है यहाँ पे, वो आई है G20 आइसबर्ग के बारे में। तो क्या न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। कंटेक्सचुअल न्यूज़ ये आई है कि अभी अंटार्कटिका का एक आइसबर्ग का एक टुकड़ा, जो कि अभी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से अलग होके बाहर आ गया है, जिसका नाम है G20 आइसबर्ग। तो एक तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, एक आपको ये कि भाई कहाँ है ये। तो देखो, इसका जो एरिया है या जो ये G20 आइसबर्ग है, आइस का टुकड़ा है, एक टाइप का ग्लेशियर, जिसकी साइज़ है वो है लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। अगर हम बात करें तो जो लंदन कैपिटल है, आपको पता है, यूके की, उससे भी ज़्यादा क्षेत्रफल या ज़्यादा एरिया है वो इस आइसबर्ग का है। तो जो इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो काफ़ी चिंता जता रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे मतलब भयानक रिजल्ट हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं। तो यह भी न्यूज़ है वो आई है। इसकी जो मोटाई है वो है लगभग 210 मीटर के आसपास, और इसका जो वजन है इस टुकड़े का वो है लगभग 315 बिलियन टन के आसपास। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो है ईस्ट कोस्ट, जो अंटार्कटिका है वहाँ पर है ये G20 आइसबर्ग। तो ये आपको छोटी सी दो चार इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। ये एक दो एग्जाम UPSC में भी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है NCPSL, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। देखो, यह बेसिकली एक ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत है, वो आती है। ये जो बॉडी है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 है उसके तहत इसको रजिस्टर है वो किया गया है, और 1994 में यह एक्टिव फॉर्म में है वो आई थी। और इसका रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, वो जो ब्रांच है, आप बोल सकते हो, वो गुजरात से इसको स्टार्ट है वो किया गया था। हम ये देखते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज का काम क्या है। इसका देखो फंक्शन ये है कि हमारे देश में सिंधी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं, सिंधी लैंग्वेज के बारे में लोगों को प्रमोट किया जाए, इसकी जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, इसको आगे बढ़ाया जाए, या फिर बाकी जो अदर लैंग्वेज हैं जैसे कि हिंदी, उर्दू, तमिल और भी और लैंग्वेज आप मान सकते हो, उन लैंग्वेज से जो उनको साहित्य वगैरह का मटेरियल है वो सिंधी लैंग्वेज में प्रोवाइड है वो करवाया जा सके। एक तरीके से जिस तरीके से हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, उसी तरीके से सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये काउंसिल है वो स्थापित की गई है। तो काफ़ी सारे सेमिनार्स वगैरह, मीटिंग वगैरह आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों का कोलाब्रेशन वगैरह किया जाए और सिंधी को और ज़्यादा आगे बूस्ट है, प्रमोट है वो किया जाए। इसी तरीके से एक काउंसिल और है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। वो उर्दू लैंग्वेज के लिए है, उसका काम है कि उर्दू लैंग्वेज को बूस्टअप करने के लिए। तो अभी इन दोनों ही काउंसिल को लेकर न्यूज़ आई थी तो मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड है वो कर दिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। न्यूज़ ये आई है कि अभी मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस है इसकी 94th एनिवर्सरी थी, यानी कि अभी आप बोल सकते हो कि 94 ईयर हो गए मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस है इसी को लेके। तो हम कुछ इसके फैक्ट है वो देखते हैं। देखो, मिलिट्री जो नर्सिंग सर्विस है वह है हमारी आर्म फोर्स की ऐसी पहली एकमात्र कोर्प है जो कि बेसिकली ऑल वुमेल, मतलब इसी ग्रुप में जितनी भी हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं, ऑल वुमेन्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और यह एक्टिव आई थी, एक्टिव फॉर्म में आई थी वैसे 1888 में, यानी कि ब्रिटिश राज में ये एक्टिव फॉर्म में आई थी। 28 मार्च 1888 में पहला बैच है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का वो स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे बॉम्बे, यानी जो आज का मुंबई है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। और जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नर्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए उस टाइम पे 10 जो क्वालिफाइड ब्रिटिश नर्स थी उनका एक बैच स्टार्ट किया गया था 1888 में इंडिया में। इसके बाद में 1893 में इसका नाम है वो रखा गया इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विसेज, और उसके बाद में 1902 यानी 1902 में इसका नाम रखा गया क्वीन अलेक्जेंड्रा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और इसी के बाद में 1926 में इसको परमानेंट नर्सिंग सर्विस है इंडियन ट्रूप्स के लिए वो घोषित कर दिया गया, और अब इसको इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर जो आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर इनके द्वारा सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यह मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को लेकर न्यूज है वो आई है। चलो, आप एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताओ कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन, उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है वो बताना है कि जब सूरत विभाजन के टाइम, मतलब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है
वो है रूको के बारे में। तो क्या है, देखो रूको का मतलब है रिपर्पज यूज्ड कुक ऑयल इनिशिएटिव। देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो जो कोई चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसके बाद जो ऑयल बचाता है उसका क्या होता है। देखो नॉर्मली अभी तक तो वो ऑयल है वो वेस्ट फॉर्म में ही जाता है, क्योंकि ऑयल को आप दो एक टाइम के बाद अगर ज़्यादा गर्म करते हो या बार बार गर्म करते हो, ठंडा गर्म ठंडा गर्म, तो फिर ऑयल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो फिर एक तरीके से जहरीला या फिर काफ़ी सारे नुकसान उससे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट या हम बात करें इनिशिएटिव लेके आई है कि भाई जो रिपर्पज यानी कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है ना इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए। तो अभी एक इनिशिएटिव ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना वो जो यूज्ड कुक ऑयल है यानी कि जो ऑयल है वो कुकिंग पर्पज में यूज़ ले लिया गया फिर बच गया है उसको बायोडीजल बनाने में यूज है वो किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा बेसिक हैं वो देखते हैं। देखो जब भी ऑयल को गर्म किया जाता है ना तो एक टाइम की आप ऐसे समझिए कि ऑयल में एक तरीके से कंपाउंड्स होते हैं और वो कंपाउंड्स क्या हैं, टोटल पोलर कंपाउंड होते हैं जो कि ज़्यादा हीट करने पे क्या होता है, मतलब ज़्यादा हीट का मतलब यहाँ पे है कि बार बार हीट, जैसे कि आपने एक बार कोई चीज़ फ्राई कर ली फिर दोबारा उसको गर्म करके फ्राई कर रहे हो उसी में, फिर तीसरी बार वापस गर्म करके उस ऑयल में फ्राई कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, बार बार ऑयल को रीहीट करने से जो उसके अंदर टोटल पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, और टोटल पोलर कंपाउंड्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर वो ऑयल जहरीला हो जाता है या फिर उससे नुकसान होते हैं। क्या क्या होता है उससे, उसके अंदर होता है जैसे हाइपर टेंशन होने लग जाती है या फिर हार्ट डिजीज़ भी बढ़ सकती हैं, लीवर डिजीज हो सकती हैं, अल्जाइमर हो सकता है, ऐसी काफ़ी खतरनाक बीमारियाँ वो हो सकती हैं। इसीलिए FSSAI ने प्रावधान ये किया है कि भाई जो भी ऑयल यूज किया जाता है अगर उसमें 25% से ज़्यादा टोटल पोलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं तब उसको आप दोबारा यूज़ है वो नहीं कर सकते, यानी एक लिमिट तक ही आप उसको रीहीट है वो कर सकते हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई जो यूज्ड कुक ऑयल जैसे काफ़ी सारा वेस्ट ही होगा ये, तो वेस्ट होने की बजाय बेटर ये रहेगा कि आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट है वो करो। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनिशिएटिव है वो यहाँ पे लेके आई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो हम थोड़ा देखते हैं रूको के बारे में। देखो ये जो कैंपेन है वो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है इसके द्वारा ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का काम ये है कि जो भी यूज्ड ऑयल है उसको कलेक्ट किया जाए फिर उसके साथ ही उसको कन्वर्ज किया जाए किसमें, बायोडीजल में, मतलब वे जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसको बायोडीजल में कन्वर्ट है वो किया जाएगा इस इनिशिएटिव के तहत। अब देखो FSSAI है उसने काफ़ी सारे ऐसे टारगेट्स भी रखे हैं कि 100 लीटर जो ऑयल है फ्राई करने वाला इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, रजिस्टर्ड कलेक्टर एजेंसी वगैरह बनाई जाएंगी ताकि वो जो यूज्ड ऑयल है उसको मतलब कलेक्ट करेंगी फिर उसको कंपनियों को दिया जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन खैर हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इनिशिएटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट 2019। देखो ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट 2019 है वो इस बार न्यू दिल्ली के द्वारा आयोजित है वो किया गया है, यानी कि इंडिया ने इसको इस बार होस्ट है वो किया है। यह ऑर्गेनाइज किया गया है वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल जनवरी में एक मीटिंग होती है और उसमें एक इंडेक्स जारी किया जाता है जो कि मीटिंग होती है आई थिंक दाउस में। उस मीटिंग में जो इंडेक्स जारी किया जाता है जो रिपोर्ट आती है उसका नाम क्या है आप बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है एक तरीके से आप बोल सकते हो वो, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसी के लिए ज़्यादा है वो मेनली जाना जाता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो ये जो ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क समिट है ये है क्या, ड्रोन का मतलब क्या होता है, अनमैन्ड व्हीकल, मतलब कि जो कि आदमी खुद उसमें बैठ के नहीं चलाता है, रिमोट वगैरह के थ्रू है वो चलाए जाते हैं। तो देखो जो ऐसा सेक्टर है यानी कि जो अनमैन्ड सेक्टर हो गया जो कि ड्रोन वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि इंसान खुद बैठ के नहीं चलाता मतलब उनको रिमोट वगैरह के थ्रू चलाया जाता है, इनको रेगुलेशन करने के लिए किस तरीके से इनोवेटिव मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, कैसे इनकी एफिशिएंसी बूस्ट की जा सकती है, कौन कौन से कॉमन चैलेंज हैं इनको इनसे निपटने के लिए, क्या क्या इनके डिसएडवांटेज हैं, तो इन सारी सोल्यूशंस के जवाब पाने के लिए इनका उचित सॉल्यूशन लेने के लिए ये इनोवेटर्स नेटवर्क समिट है वो आयोजित किया जाता है। इसका जो लास्ट समिट था पिछले साल 2018 में वो हुआ था बेसिकली ज्यूरिच में। तो लास्ट समिट तो खैर आपको याद हुआ नहीं हो बट अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कंडक्ट है वो किया गया तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात ऐसी है
कि भाई इंडिया के अंदर ड्रोन वगैरह को लेके कौन रेगुलेट वगैरह करता है। तो देखो इंडिया के अंदर जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ना, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DGCA, जो कि प्लेन वगैरह को भी रेगुलेट वही करता है, एरोप्लेन वगैरह को, और जो ड्रोन हो गए यानी जो अनमैन्ड व्हीकल हैं इनको भी रेगुलेट DGCA के द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए ड्रोन को स्पेशल से रेगुलेट करने के लिए DGCA ने 2018 1 दिसंबर से गाइडलाइन है वो जारी कर दी थी कि भाई जो मिनी ड्रोन्स हैं उनको कौन उड़ा सकता है, क्या क्या उनकी कंडीशंस वगैरह हैं वो अलग अलग रखी गई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अनमैन्ड व्हीकल हैं वो हमारे देश में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर जो DGC है वो रेगुलेट करती है, और इसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना होता है। तो वो लाइसेंस लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है DGSKY। तो ये आप ध्यान रखना कि DGSKY एक पोर्टल है जो कि फ्लाइंग ड्रोन है इनको रजिस्टर करने के लिए, वहाँ पे लाइसेंस वगैरह की प्रोसीजर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में। अब है क्या ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वो हम देख लेते हैं। ये इकोनॉमी का वर्ड है, काफ़ी बार न्यूज़ में कई बार आ जाता है। देखो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल ही ले लो कि इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हाँ सैमसंग का एग्जाम्पल ले लो, चलो आज कि सैमसंग कंपनी है, ठीक है कोरिया की कंपनी है, कोई बात नहीं। अब सैमसंग आपको पता है कि इंडिया में फ़ोन है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, बट आप जानते हो कि सारे पार्ट सैमसंग खुद इंडिया में तो नहीं बनाता है, वो कुछ पार्ट्स है वो बाहर से लेके आता है कहीं से भी। मान लो ये मान लो कि वो अपने जो उनकी एक फैक्ट्री है कोरिया में, वहीं से वो पार्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट है वो कर रही है, और फिर इंडिया में फ़ोन असेंबल करके इंडिया में बेचे हैं वो जा रहे हैं। अब अगर सैमसंग को देखो, सैमसंग क्या करती है कि बार प्रॉफिट को शिफ्ट करने की कोशिश करती है। प्रॉफिट शिफ्ट कैसे, कि भाई इंडिया के सैमसंग को लग रहा है कि यार इंडिया में अगर हम ज़्यादा इनकम दिखाएंगे ना तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो रॉ मटेरियल जो कि हम हमारे ही किसी मतलब कोई उनकी खुद की कोई कंपनी होगी या फिर वो अपने ही कोई देश जहाँ पे टैक्स कम हो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा दिखा देंगे इंडिया में कि भाई बहुत महंगा हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं इसलिए हमें तो यहाँ इंडिया में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। जैसे मान लो कि सैमसंग का कोई फ़ोन है 10,000 रुपये का, कोई भी मान लो XYZ फ़ोन है। अब सैमसंग ने क्या दिखाया गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भाई ये 10,000 का फ़ोन जो हम बेच रहे हैं ये 9,000 रुपये का तो हमने जो इसका रॉ मटेरियल खरीदा है वो हमने मान लो कि वहीं से खरीद लिया, कोरिया से खरीदा है, और 9,000 का वो रॉ मटेरियल हमें पड़ा है। आप जानते हो कि मटेरियल 9,000 का नहीं है, बस ये प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है ताकि इसको टैक्स यहाँ कम देना पड़े और ये टैक्स से बच जाए इसके लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को तो नुकसान हो जाता है ना, कि भाई काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट एक मेथड लेके आती है वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी को पहले ही यहाँ की टैक्स अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और उसमें बताना होता है कि भाई हम किस रेट पे सामान है वो खरीदने वाले हैं। जैसे कि सैमसंग है वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा, गवर्नमेंट के कहने पे होता है वैसे ही सारा काम कि भाई मैं ये जो एसेसरीज वगैरह जो भी पार्ट्स वगैरह हैं ये मेरी इस कंपनी से बाहर से खरीदने वाला हूँ और इस रेट पे खरीदूंगा। तो इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अब सैमसंग मनमर्जी नहीं कर सकता, ओब्वियसली सैमसंग एग्रीमेंट करेगा तो इंडिया बोल देगा भाई इससे सस्ते पार्ट्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं, तो एक तरीके से जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो नहीं हो सकती। तो इनको काउंटर करने के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन किए जाते हैं ताकि जो भी टैक्स की चोरी वगैरह हो सकती है उसको रोका जा सके। पर्पज़ क्या है इसका, पर्पज़ यही है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो टैक्स जो आउटकम है टैक्स पेयर के लिए उनके लिए अच्छा मतलब माहौल क्रिएट कर देता है, वो मनमर्जी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट को भी एक सेफ्टी फील होती है कि हाँ भाई ठीक है इस रेट पे कंपनी सामान खरीदने वाली है तो कंपनी अभी अपने आप से मनमर्जी की रेट नहीं रख सकती। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है HOG टेक्नोलॉजी के बारे में, हेड ऑन जनरेटर जनरेशन टेक्नोलॉजी। देखो आपने मैनली जो शताब्दी दुरंतो जैसी ट्रेनें देखी होंगी इनमें आगे और पीछे मतलब जो इंजन होता है इसके पास में जनरेटर यान लगे होते हैं दो साइड, तो उससे देखो काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, CO2 का भी एमिशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में, इसके साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एमिशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी एमिशन होता है, तो काफ़ी खतरनाक गैसें इन्वायरमेंट में मिलती हैं। और आप देखो कि यार कितनी सारी ट्रेनें इंडिया में चल रही हैं ऐसी ट्रेनें जिनमें हर के दो दो साइड जो जनरेटर लगे हुए हैं, तो उससे काफ़ी बड़ा पोल्यूशन है वो भी फैलता है। तो इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए रेलवे ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो इंजन होता है उसके ऊपर इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि ऊपर वायर के टच होता है, इसको बेसिकली पेंटोग्राफ के नाम से जाना जाता है।
तो ये जो पेंटोग्राफ होता है ये क्या करता है, जो ऊपर जो वायर होता है इसे इलेक्ट्रिसिटी लेके इंजन को देता है, फिर ये ट्रेन आगे मूव है वो करती है। अब होगा क्या आगे से कि वो जो दो इंजन जो सॉरी जो जो जनरेटर यहाँ लगाए जाते थे ट्रेन के आगे पीछे, उनको हटा के और जो एनर्जी की जरूरत होगी एसी वगैरह बाकी सब डिब्बों के लिए, वो एनर्जी ऊपर जो ये है ना यहाँ पे वायर जा रहा है इसी से पेंटोग्राफ की हेल्प से ही वो एनर्जी है वो लाइट है वो ली जाएगी। ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट है वो किया गया है, यानी कि ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो ऊपर जो यहाँ वायर है इस वायर से लेके जो पेंटोग्राफ कनेक्ट है इस पेंटोग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी, फिर उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर की हेल्प से और वो फिर पूरी ट्रेन में सप्लाई है वो की जाएगी। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो काफ़ी खतरनाक गैसें हैं इनका एमिशन कम होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा और इसी के साथ ही जो दो एक्स्ट्रा डिब्बे टाइप के लगाने पड़ते थे ट्रेनों में वो भी नहीं लगाने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा होगा और डीजल की भी काफ़ी बचत है वो होगी। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज़, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।